बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। देखो अरीशा, मैं तुमसे लंबी दोस्ती नहीं रखना चाहता। सोचने का वक्त तो दो मुझे। दिया, जितना टाइम चाहिए उतना ले दो, लेकिन जवाब सिर्फ हाँ में होना चाहिए। मेरी अलीजा के लिए फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। तो ठीक है फूफो, फिर तो आप शादी करवा दे अलीजा की। आखिर किस्मत दूसरी बार घर बसाने का मौका दे रही है तुम्हें। मौके की तलाश तुम्हें होती होगी, मुझे नहीं। कैसा लगा जूस? अच्छा अच्छा है ना? ओह नो, ये क्या हुआ? क्या क्या हुआ? Will you marry me? तुमने कहा था कि एक रात चाहिए सोचने के लिए। And I guess एक रात काफी होती है सोचने के लिए। तो क्या सोचा तुमने? शादी करोगी मुझसे? हाँ। तो फिर कब शादी करें आप मुझसे? जब तुम कहो। अगर मैं कहूं कि हम कल निकाह कर लें? इतनी जल्दी तुम्हारी फैमिली मान जाएगी शादी के लिए? मेरा कोई घर वाला नहीं है, मैंने पहली मुलाकात में तुम्हें बताया था। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी फूफो से चल के बात कर लेता हूँ। नहीं नहीं, इसकी भला क्या जरूरत है? वैसे भी मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद करती हूँ, तो हम कल ही निकाह कर लेंगे। अगर ऐसी बात है तो कल हमारा निकाह है और उसके लिए हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी है। हाँ, शॉपिंग तो करनी पड़ेगी। तो फिर जल्दी से जूस खत्म करो, शॉपिंग करनी है बहुत सारी। यार तुम कहाँ थी इतनी देर से? तुम्हें कितने फोन किए, तुमने कॉल भी रिसीव नहीं की मेरी। बस मैं शॉपिंग पे गई थी। ये देखो, ये खरीदा मैंने निकाह के लिए, कैसा लग रहा है? अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने सोचा था कि हम दोनों साथ शॉपिंग करेंगे निकाह की। तुमने सोचा, और देखो मैं शॉपिंग कर रही। इसे कहते हैं दिल से दिल को राहों। मेरी तो सारी दिल की राहें तुम्ही से शुरू होती हैं और तुम्ही पे खत्म होती हैं। तुम्हारी दीवानगी और प्यार की शिद्दत से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। सब एक ही रात हायल है हम दोनों के बीच में। आपके इस तरह चक्कर लगाने से कुछ नहीं होने वाला। मैं तो कहती हूँ इस रात की सुबह हो ही ना। अरीशा आपके बेटे के नसीब में लिखती गई है। नसीबों का लिखा हुआ ना बदला नहीं जा सकता। कहाँ जा रहे हो? बाहर। बाहर कहाँ? जरूरी काम से जा रहा हूं। कोई शर्म कोई गैरत है तुम्हें? क्या किया मैंने? क्या नहीं किया है तुमने?
याद रखो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हो तुम इस अरीशा से ब्याह करके। तू भूल गया है ना वो सारी जिल्लत रुसवाई जो तुझे और हमारे खानदान को सहनी पड़ी थी इसके भागने की वजह से, वो जिल्लत जो लोगों के तानों में सारी जिंदगी सही हमने, भूल गया सब? कुछ नहीं याद तुझे? अम्मी मैं काम से जा रहा हूं, मुझे देर हो जाएगी। कहा था ना मैंने, भाई को कुछ भी कह ले कोई फायदा नहीं है। सैलून जा रहे हैं। मैं ड्रॉप कर दूं? नहीं नहीं, मैंने कैब मंगवा ली है ना, चली जाऊंगी। तुम अपनी तैयारी करो फिर से मेरी जुदाई का गम सहने के लिए। चलो ओके बाय बाय। अल्लाह करे इस मनहूस के कदम ये दहलीज फिर पार ना कर सके। आमीन। आप दोनों तैयार नहीं हुए अभी तक? मेरी नजर में ये शादी नहीं है, बर्बादी है। माँ अपने बेटे की बर्बादी पे तैयार नहीं होती, सोग मनाती है। अब भी वक्त है भाई, आंखें खोलो अपनी, देखो सच्चाई को। गलत कर रहे हो भाई तुम। मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है हम इस वक्त इस बहस में नहीं पड़ते। बस तुम इतना समझ लो कि आज का दिन मेरे लिए बहुत अहम है, और अगर इस दिन तुम मेरे साथ खुशी खुशी शरीक होगी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, मतलब तूने ठान ली अपनी जिंदगी बर्बाद करने? ऐसा ही समझ लिया। बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का, बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। याद रखो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हो तुम इस अरीशा से ब्याह करके। तू भूल गया है ना वो सारी जिल्लत रुसवाई जो तुझे और हमारे खानदान को सहनी पड़ी थी इसके भागने की वजह से।
कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हूँ। ये क्या अंदाज हुआ भला? तुम तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे लड़कियां शर्माती हैं। आपको तो शर्म आ नहीं रही, तो मैंने सोचा ये कसर मैं ही पूरी कर देता हूँ। Very funny. यार इस इंसान का कोई अता पता ही नहीं है ना। कौन? मेरा दोस्त। सारे अरेंजमेंट उसने किए हैं और जनाब का कोई अता पता ही नहीं। मैंने नहीं कॉल है। भाई किधर हो तुम यार? मैं नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ। जानती हूँ। मुबारकबाद नहीं दोगी? तुम्हें मेरी दुआओं या मुबारकबाद की जरूरत नहीं। सही कह रही हूँ। मेरी खुशियां और जिंदगी तुम्हारी दुआओं की मोहताज नहीं। ये बताओ फोन क्यों किया है? ऐसे ही टाइम पास करने के लिए। कर लो जितना टाइम पास करना है, लेकिन जब वक्त के शिकंजे में आओगी ना तो देखना कैसे नाकाम होती हो इसी वक्त के हाथों। सब आ गए? नहीं अभी तो कोई नहीं आया। फिलहाल मेरा दोस्त आया है, तुमसे मिलना चाह रहा है। बुला लो। आ जा यार। Meet my friend. ओहो, क्या हो गया? ठीक हो? ठीक हूं मैं। तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? कैसे रिएक्ट कर रही हूं?
ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या हुआ है? भाई का निकाह है आज तुम्हारी बहन से, और तुम ये इतना तैयार होके मेकअप लगा के घूम रही हो। तुम्हें मेरे तैयार होने पे, मेरे मेकअप करने पे एतराज है? ये नॉर्मल नहीं है लीसा। क्या नॉर्मल नहीं है? तैयार होना नॉर्मल नहीं है? अरे भाई, ऐसे ही मेरा दिल कर रहा था कि अच्छे कपड़े पहनूं, मेकअप करूं, इसमें कोई बुराई तो नहीं है? मारिया, क्या हो गया? ऐसे क्यों दौड़ी आ रही हो? अम्मी, वो अलीजा को तो जाके देखें, इतना तैयार हुई हुई है, जाके देखें तो सही कितनी खुश है वो। खुश? अम्मी अपनी आंखों से जाकर देखें तो सही आप उसे। मुझे तो डर लग रहा है मुमानी की तरह कहीं अलीजा पे। अल्लाह ना करे। बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का, बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। माज, मैं यहाँ पे तैयार होने आई। ये थप्पड़ जवाब है उस थप्पड़ का जब तुम मुझे छोड़ के गई थी। प्यार करती हूँ माँ। झूठ? कितना झूठ बोलोगी तुम? हद से पाव तक झूठ है तुम। क्या लगा था तुम्हें वापस आऊंगी? मैं प्यार का झूठा इजहार करूंगी और मैं फिर से तुम्हारे झूठ पे ईमान ले आऊंगा। तो गलत लगा तुम्हें, भूला नहीं हूं आज भी अपने चेहरे पर लगी वो कीचड़, वो जिल्लत जो तुमने दी मुझे। दिल की गहराइयों तक मार गई थी वो मुझे। मैंने तो प्यार किया था तुमसे, दीवाना वार किया था, और बदले में जो तुमने किया मेरे साथ, प्यार पर से एतबार ही उठ गया था मेरा। ऐसा लगा जैसे प्यार कुछ नहीं सिवाय एक झूठा लव मोहब्बत के। उस प्यार का एतबार दिलाया तो अलीजा ने, मेरे मुर्दा दिल को फिर से जिंदा किया उसकी मोहब्बत ने।
बहुत गुस्सा था मुझे तुम्हारे छोड़ जाने पर। बहुत। लेकिन खुदा का लाख लाख शुक्र, तुम्हारी बेवफाई की वजह से मुझे अलीजा जैसी बावफा बीवी मिली। इसकी मोहब्बत मुझसे शुरू होती है और मुझ पर ही खत्म होगी, और मैं भी अपनी आखिरी सांस तक उसी से वफा, उसी से मोहब्बत निभाऊंगा। क्या मतलब कि मोहब्बत निभाओगे? तुमने तो अलीजा को तलाक दे दी। अलीजा, मेरा बच्चा। तलाक के बाद इस तरह ये बनना संवरना मुनासिब नहीं लगता मेरा बच्चा। तलाक हुई ही नहीं है पप्पू। क्या उस दिन मास ने तुम्हें नहीं दी तलाक? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। तुमसे, तुम्हारे प्यार से मुझे प्यार हो गया यार। अरीशा से तो सिर्फ मैंने प्यार किया था, लेकिन प्यार निभाना सीखा तो सिर्फ तुमसे। जाने अनजाने में बहुत गुस्सा किया तुम पे, दिल दुखाया तुम्हारा, घर से जाने को भी इसीलिए कहा क्योंकि अम्मी और ईशा के हाथों तुम्हें जलील होता हुआ देख नहीं सकता था। तो हो सके तो मुझे माफ कर देना प्लीज। नहीं मांस, क्यों शर्मिंदा कर रहे हो मुझे? नहीं नहीं अलीजा, शर्मिंदा तो मैं तुमसे हूं, अरीशा जैसी लड़की की वजह से तुमसे रूठा रहा, अपनी खुशियों से भागता रहा, तुम्हारी आंखों में आइंदा मैं कभी आंसू ना देखूं। तुम साथ हो ना तो कैसे हंसू? एक और गुजारिश है तुमसे, इस बात का हम दोनों के सिवा किसी को भी इल्म नहीं होना चाहिए प्लीज। सच? या अल्लाह तेरा शुक्र। मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी खबर।
शौक था तुझको दिल तोड़ने का, बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। रही बात जॉब की, मुझे जॉब से निकाला नहीं गया था, मैंने खुद रिजाइन किया था। मुझे एक बेहतर कंपनी में एक बेहतर पोस्ट पे जॉब ऑफर हुई, मैंने एक्सेप्ट कर ली। चीटर, धोखेबाज, बेवकूफ बनाया मुझे। बेवकूफ बनके क्या महसूस होता है अब अंदाजा हुआ तुम्हें? प्यार के नाम पे तो बेवकूफ मुझे इतने अरसे से तुम बनाती आ रही थी। जितना गुस्सा इस वक्त तुम्हें मुझ पर चढ़ा है ना, उससे कई ज्यादा नफरत मैं करता हूं तुमसे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी नफरत से, बाहर में जाओ तुम और तुम्हारी अलीजा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मैं और अलीजा तो हैं एक दूसरे के लिए। तुम्हारे लिए कौन है? मेरा साथ देने के लिए बिना कोई ना कोई ढूंढ लूंगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। जस्ट गेट लॉस्ट, निकलो यहां से। तुम्हारा मेरा हाथ, चली जाऊंगी मैं खुद। शौक था तुझको दिल तोड़ने का, निगाहें मिला के मुझे छोड़ने का। बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का, निगाहें मिला के मुझे छोड़ने का। बड़ा शौक था तुझको दिल अलीजा से मिलने आया? नहीं, आपसे माफी मांगने आया। बहुत गलत समझा था मैं आपको, लेकिन अब हकीकत जान गया हूं। अलीजा जी ने बहुत दुख सहे हैं,
बहुत अज़ियतें बर्दाश्त की। और कुदरत ने आपको उनके नसीब में लिखकर उनके सब्र का, उनकी सारी तकलीफों का फल दे डाला। आप जैसे आइडियल इंसान को डिजर्व करती हैं वो, बहुत खुश रहेंगी वो। मुझसे ज्यादा खुश नहीं रह सकती वो, उसे हासिल करके मेरी जिंदगी मुकम्मल हुई है। चलता हूं, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। शौक था तुझको दिल तोड़ने का, बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। लगता नहीं था भाई कि तुम इतनी अकलमंदी का काम करोगे। तुम्हें तुम्हें सारे जहां का बेवकूफ ही लगता हो ना। सॉरी। अरीशा का एतमाद जीतने के लिए तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। अंदाजा नहीं था वो सब हो जाएगा। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता भाई। लेकिन अब से भाभी का ख्याल रखना है। तो दिल से तुम्हारी इज्जत करने को दिल कर रहा है, इसीलिए भाभी कह रही है। अच्छा भाई, बस बहुत हो गए गिले शिकवे। अल्लाह ने खैर से खुशी का दिन दिखाया है और अब देखना, बहुत धूमधाम से वलीमा करूंगी तुम्हारा। हेलो, क्या जी? क्या हुआ भाई? अरीशा का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट ने बुरी तरह से ब्रेन को डैमेज किया है, टोटली वेंटिलेटर पर है। अब फैसला आपका है, वेंटिलेटर हटा दिया जाए या अरे
इसकी चलती सांसें बोझ हैं इस दुनिया पर। और ये बोझ जितना जल्दी चाहे खत्म हो जाना चाहिए। अगर मुझे खून माफ होता ना, मैं अपने हाथों से गला घोट देता इसका। लेकिन अच्छा हुआ कुदरत ने मेरे हाथों को उसके खून से गंदा होने से बचा लिया। ये फैसला तुम्हारे हाथ में। हटा दे।